हेलो गाइस, आज आप आए हैं पत्थर की बावड़ी। ये फूलबाग के जस्ट सामने है। देखिए कितनी सुंदर हरियाली है। बहुत अच्छा लगता है ऊपर जाना। हेलो फ्रेंड्स, आपका आरवी व्लॉग में स्वागत है। हेलो। और आज हम आए हैं गोपाचल पर्वत। यहाँ बनी हुई जैन भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इसमें एक पत्थर की बावड़ी भी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं गोपाचल पर्वत। इसे गोपाचल पर्वत भी कहते हैं। कितनी सुंदर हरियाली है, अच्छा लगता है। ये देखिए गार्डन। हाँ। हम देखने जा रहे हैं एक पत्थर की बावड़ी। ऊपर जाके दिखाते हैं कैसा लगता है। चढ़ाई रहती है इसमें। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अभी से थक चुकी हैं। शहर के बीच में अगर आपको फॉरेस्ट देखना है तो आप यहाँ गोपाचल पर्वत पे आएँ, एक पत्थर की बावड़ी देखने। आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आप जंगल में आए। एक बार हम यहाँ पे आएंगे जब बारिश हो जाएगी, तब और आएंगे, तब और अच्छा वीडियो और बनाएंगे। पूरा ऐसा लग रहा है जंगल के बीच में, जबकि हम सिटी के बीच में है इस समय। और ये थक गए चढ़ाई करते हुए। देखिए हम कितने ऊपर आ चुके हैं। बहुत ऊपर। देखिए हम कितने ऊपर आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे आ चुके हैं। ये जो लोहे का दरवाज़ा आपको दिख रहा है शटर, इसके अंदर है एक पत्थर की बावड़ी और इसमें आता है पानी। देखिए अभी भी निकल रहा है। और ये पानी कहाँ से आता है ये पता नहीं है। बरसात में और अच्छा लगता हो, पूरे झरना बहता हो। जा भी सकते वैसे टोपी। कितना खड़ा पहाड़ है। देखिए
इन पहाड़ों को काट के कैसे ये कितनी सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई गई है। भाई आक्रांताओं द्वारा ये मूर्तियां खंडित करी गई हैं कुछ। देखिए पत्थर पर कितना सुंदर हिरण बनाया गया। देखते हैं अब हम देखने जा रहे हैं एक पत्थर की बावड़ी। कैसा पानी आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, पसीने भी आ रहे हैं। लेकिन तो कैसा लग रहा है पत्थर की बावड़ी में? बहुत अच्छा है। बरसात के समय में हो रहा है तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ी उमस है तो थोड़ी गर्मी है। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, हरियाली है, और मैं पहली बार ही आया हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए दीपक जल रहे हैं, पूजा करते हैं लोग। बस मुंडी टूट जाएगी तुम्हारी, ज्यादा ऊपर देखोगे तो बहुत ऊंचाइयों पे है ये तो। हाँ पहले के लोग कारीगर थे, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना के कलाकृति। ये गेट के इस तरफ वाला भाग, हाँ बड़ी है काफ़ी, उस तरफ तक गई है ना। भैया मैं बोल रहा मेरे को आपके जाने कितने परेशान से चल रही है। ये बैठने के लिए यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शहर के बिल्कुल बीच में हैं। आप थोड़े नीचे उतरेंगे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन आपको इस जगह पे उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। शांति है, नेचुरल चीज़ है, देखना। और ये दिख रहा है आपको ग्वालियर फोर्ट का दिख रहा है। Thank you.
चंद्र देवता आ गए हैं। कितना सुंदर व्यू लग रहा है ये। चलिए अब चलते हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं, अंधेरा सा होने लगा। ये देखिए मोर भी है यहाँ पे, मोर की आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रही। और आपको भी कल ऐसा एहसास हो रहा है कि आप जंगल में ही हैं। आउच, बच गई मैं। इधर सिटिंग तो दी है लेकिन अंदर जाने की जगह तो दी नहीं है। अच्छा है, देखिए यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है और अंदर जाने का रास्ता यहाँ से। अभी हम लोग जा नहीं रहे क्योंकि हमें देर हो जाएगी और अंधेरा भी हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।